जल्दी से आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय, आपके साथ जो लोग मौजूद है उनसे पूछिए ना, मुद्दे काफी नहीं है क्या? वोट मिलता है क्या गर्मी चर्बी करके? बिल्कुल रोमाना, यही चुनाव नहीं, पिछले चुनाव भी आप देखेंगे तो इस तरह की बयानबाजी होती रही। और 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो ऐसे ही एक बयान पर योगी आदित्यनाथ को प्रतिबंधित किया गया था चुनाव प्रचार से, समाजवादी पार्टी के मनोज यादव हैं। मनोज भाई, क्यों ये गर्मी सर्दी वाले बयान देते हो? खेती, बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया कि गर्मी निकाल देंगे, मई जून में निकाल देंगे, ये कर देंगे, ये शुरुआत किसने की? और एक बात नहीं कही, कभी 80-20 की बात करी, कभी हैट्रिक बातें ऐसी की, हेटेड बातें की, जो मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री को, तमंचावादी शब्द का इस्तेमाल किया। ये सब एक मुख्यमंत्री को अगर शोभा देता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी को शोभा देता होगा, आरएसएस को, मानसिकता को शोभा देता होगा, को भी शोभा देता। आप भी तो वही कर रहे हैं निश्चित तौर पे। जो बात है, जिस बात का जवाब अगर बीजेपी चाहती तो उसका जवाब मिलेगा, वो माइलेज लेने की कोशिश ना करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पे आप इस पे सर्वे क्यों करा रहे हो? आप सर्वे कराओ ना कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की हालत क्या है। कराए हैं, वो भी कराए हैं, उन पर भी विषय लिए हैं, बदले बदले अलग अलग सवाल। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि इन सारे मुद्दों पर जितने भी न्यूज चैनल हैं उनको उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार का, महंगाई का, और जो भी जितने प्रमुख मुद्दे उन सब पे बात करनी चाहिए। बीजेपी ये चाहती है कि हम उसकी पिच पे जाएं और हम उसकी पिच पे जाके बैटिंग करें, तो भाजपा को बता दें और उस जहलों को भी बता दें, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देते, भारतीय भाजपा के नेता बयान देते हैं गर्मी निकाल दूंगा, ये क्यों देते हैं भाई? 53% लोग ये कहते हैं कि असल मुद्दों से भटकाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए देखिए, ये इनकी पीड़ा है क्योंकि अभी कन्नौज में पूर्व प्रधान के भतीजे ने कहा कि अगर अखिलेश सरकार आई तो घर खुदवा के तालाब बनवा देंगे। शुरुआत किसने की? इनको पता है ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। सामाजिक बता रहे, वो अपराध का विषय है, वो अपराध का विषय है, उस पर मुकदमा होता है पीसी का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह की बयानबाजी होती है, बड़े मंच से नेता बयान देता है, बड़े बड़े गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा, ये क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ जिस तरह से बयानबाजी है, बयानबाजी समाजवादी सरकार में लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सही बात उनके लिए ये यही उपाय है। जिनको जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाया जाएगा निश्चित तौर पर, जिस भाषा में जो समझेगा उसको समझाया। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है कि जिसको जो भाषा समझ में आई, ये इनका बयान नहीं है और इनका कसूर भी नहीं। इनको मैं वो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जितनी शिक्षा इनको दी है वही ये बोल रहे हैं। हम एक बात फिर कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी है? क्या इस सरकार के पास कोई काम? हम भी कह रहे हैं मुद्दों कमी है, जो आप कह रहे हो चर्बी निकाल रहे। लेकिन अगर कोई सवाल उठाएगा या कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा तो ये वही समाजवादी लोग हैं, मुद्दों की कमी है और यही नेता है जो गर्मी और चर्बी जैसे बयान दे रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।